टोमेटो केचप सब बच्चों को पसंद है, इवन आई लव इट. बट हियर इज द थिंग, स्टोर बॉट टोमेटो केचप में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग भी होता है, नन ऑफ विच इज गुड फॉर आर किड्स. सो टोमेटो केचप इज इन नेसेसरली अ बैड थिंग. इट बिकम्स बैड वेन इट कम्स आउट फॉर बॉटल, विच इज वाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मेक होम मेड टोमेटो केचप विच हैज जस्ट रियल इंग्रीडियंट्स. ये रेसिपी बहुत ही इजी है, काफ़ी वर्सेटाइल है, आप इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से. हम बस सारे इंग्रेडिएंट्स को बड़ा बड़ा काटेंगे और उसे प्रेशर कुक कर लेंगे. मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर. मेक श्योर आप हाइब्रिड या रोमा टोमेटोज यूज़ करें, बिकॉज दोज आर एक्चुअली नॉट वेरी सार. जो देसी टमाटर होते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं, तो हमारी सॉस बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी एंड देन किड्स वोंट लाइक इट. देन आई एम एडिंग सम अनियंस, गार्लिक और कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे, बे लीफ, सिनेमन एंड क्लोव्स. और फिर हमें बस थोड़ा सा ही पानी डालना है, इनफ टू प्रेशर कुक एवरीथिंग. और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये केचप बहुत ही वर्सेटाइल है, आप इसमें पम्पकिन डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा बीट रूट डाल सकते हैं, कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ऑरेंज या स्लाइटली पिंकिश, बट इट स्टिल टेस्ट रियली गुड. अब हम इसे 2-3 विसल्स तक प्रेशर कुक करेंगे, जब तक कि टोमेटो और अनियंस एकदम सॉफ्ट हो जाएं. अब हमें इस अनियन टोमेटो मिक्सचर को ब्लेंड करना है. आप इसको तब तक ब्लेंड कीजिए जब तक ये एकदम स्मूथ हो जाए. ये याद रखिएगा कि ब्लेंड करते समय आपको और पानी नहीं डालना है, बिकॉज हम फाइनली इसको रिड्यूस करने वाले हैं टू अ केचप लाइक कंसिस्टेंसी. इसको हम एक छन्नी से छान लेंगे सो दैट कोई भी बीज है या छिलका बचा है वो सब निकल जाए, और फाइनली जो हमारा केचप होता है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ होनी चाहिए. अब ये जो टोमेटो अनियन का जो ब्लेंडेड मिक्सचर है उसको हम एक कढ़ाई या एक पैन में डाल के उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, एंड देन आप इसको मिक्स कर लीजिए, एंड देन फाइनली इसे हमको बस सिमर करके रिड्यूस करना है. सो दिस इज लिटरली द ओनली टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द रेसिपी, क्योंकि इसको रिड्यूस होने में अबाउट 30-40 मिनट्स लगते हैं. आपको बस बीच बीच में आके इसे चेक करना है एंड एक दो बार इसे स्टर करना है सो दैट ये नीचे से बर्न ना हो जाए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफ़ी हैंड्स ऑफ प्रोसेस है, एंड एट द एंड ऑफ दिस वी विल हैव आवर होममेड टोमेटो केचप. अब ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है और मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ. इट्स द विनेगर जिससे इस केचप में वो थोड़ा खट्टापन आएगा, सो दैट हमारा केचप फाइनली थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा एंड थोड़ा सा सॉल्टी होगा, दैट सेम फ्लेवर दैट वी ऑल लव सो मच. हमारा टोमेटो केचप अब रेडी हो गया है. मैंने इसे अबाउट 30-40 मिनट्स के लिए सिमर किया था एंड इसकी कंसिस्टेंसी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. ये पोरेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बट काफ़ी थिक होना चाहिए सो दैट व्हेन यू डिप योर फ्रेंच फ्राइज इन इट यू गेट लॉट्स ऑफ केचप इन एवरी बाइट. I like to store this in a squeezy bottle. Make sure your bottle is nice and clean. इसको आप अच्छे से wash करें, completely dry करें before storing your tomato ketchup in it. And obviously, tomato ketchup and French fries, best combination ever. So let's try these. मुझे ये किसी भी स्टोर बॉट सॉस से ज़्यादा अच्छी लगती है. आई थिंक दिस सॉस इज अमेजिंग एंड आई लव द फैक्ट कि हमारे बच्चों के लिए जो हम सॉस बना रहे हैं घर पे, उसमें हमें पता है एग्जैक्टली क्या जा रहा है. सो आई होप यू ट्राई दिस होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी. आई होप यू मेक इट. प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज लीव अ कॉमेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट लाइक व्हेन यू डू. दिस रियली हेल्प्स अस गेट मोर रेसिपीज टू यू. टिल नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी बैक विद मोर किड फ्रेंडली रेसिपीज. टोमेटो केचप बनाते हुए ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए. चूज़ करें रोमा या हाइब्रिड टोमेटोज वर्सेस देसी टोमेटोज जो कि थोड़े ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो उससे आपकी टोमेटो सॉस बहुत खट्टी हो जाएगी. हमेशा अच्छे लाल जूसी टोमेटोज यूज़ करें, बिकॉज उससे हमारी टोमेटो केचप का कलर लाल होता है. आप इसमें काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हैं. आप इसमें बीटरूट डाल सकते हैं, थोड़ी सी कैरेट डाल सकते हैं, पम्पकिन डाल सकते हैं, विच इज़ आई थिंक हाउ माई नानी यूज़ टू मेक इट. इससे थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है, बट द टोमेटो केचप इज स्टिल वेरी वेरी टेस्टी. ये जो टोमेटो केचप है वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है.
हमने इसे स्टोर बॉट टोमेटो केचप से कंपेयर किया है एंड इट्स डेफिनेटली थोड़ा सा लेस स्वीट, पर ये स्वीटनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करके। आप जैसे वो कुक कर रहा होगा आप उसे टेस्ट कीजिए और एडजस्ट कीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी 30 टू 40 मिनट्स के बाद एकदम राइट हो जाती है। जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाना चाहिए एंड द सॉस शुड कोट द बैक ऑफ योर स्पून। दैट्स व्हेन यू नो इट्स रेडी।